1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 2 भी बना लिया, तो इसका बहुलक कौन सा होगा? जो सबसे अधिक बार आएगा वही इस आंकड़ा का बहुलक कहलाएगा। हम एक की बात करेंगे तो एक जो है 2 बार ही आया है, ये 3 1 2 3 बार आया है, 0 1 बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया? 3 आया, तो 3 को हम लोग इस आंकड़ा का बहुलक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका जो बहुलक होगा वो 3 हो जाएगा।